किसी भी YouTube वीडियो को सक्सेसफुल बनाने में एक बेहतरीन थंबनेल का काफ़ी अहम रोल होता है। थंबनेल बनाते वक्त तीन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है, बैकग्राउंड, वीडियो से रिलेटेड एक इमेज और वीडियो से मिलता जुलता एक छोटा सा टाइटल, क्योंकि लॉन्ग टाइटल के मुकाबले में छोटा टाइटल ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आप पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, इस तरह ओपन हो जाएगा। थंबनेल साइज सेलेक्ट करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी साइज 1280 720 है वो क्या कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए नीचे राइट साइड के पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप कलर, इमेज, फ्रॉम कैमरा, फ्रॉम गैलरी से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे। अगर दो कलरों का कम्बिशन चाहते हैं तो ग्रेडिएंट पर रहने देंगे और यहाँ से दो कलरों का कम्बिशन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सिंगल कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंगल कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। इमेज सेलेक्ट करने के लिए ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और जहां भी इमेज रखा हुआ है वहां से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इमेज आप थंबनेल में यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड पहले ही रिमूव कर देंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसके बेकार पार्ट को यहाँ से इस तरह हटा देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद जहाँ भी आप इमेज को सेट करना चाहते हैं वहाँ सेट कर देंगे। इमेज को स्ट्रोक देने के लिए सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट लेने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टाइपिंग करने के लिए पेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टाइपिंग कर देंगे हाउ टू मैक, डन करेंगे, ओके कर देंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, जो भी आपको पसंद आए वो चूज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज़ को कम या ज़्यादा कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज कर देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टेक्स्ट लेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइपिंग करेंगे HD थंबनेल, डन करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक फॉन्ट चूज कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए साइज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज़ को बड़ा कर देंगे। ओके कर देंगे। उसके बाद कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद फिर तीसरा टेक्स्ट लेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और टाइपिंग करने के लिए पेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उर्दू में टाइपिंग कर देते हैं, मोबाइल से थंबनेल, डन करेंगे, ओके कर देंगे। उर्दू फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे उर्दू फॉन्ट है
उर्दू फॉन्ट चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ को बड़ा कर देंगे। ओके कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। ओके करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ओके कर देंगे। उसके बाद फिर चौथा टेक्स्ट लेने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइपिंग करेंगे कैसे बनाएं। डन करेंगे। ओके कर देंगे। फॉन्ट चूज़ करने के लिए फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे जाकर फॉन्ट चूज़ कर लेंगे। ओके करेंगे। साइज़ को बड़ा करने के लिए साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ को बड़ा कर देंगे। ओके कर देंगे। उसके बाद कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ओके करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, स्ट्रोक को बढ़ाएंगे, स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ओके कर देंगे। लोगो सेट करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करके जहां भी लोगो रखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोगो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद लोगो का साइज कम कर देंगे। लोगो को स्ट्रोक देने के लिए सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और यहां से लोगो का स्ट्रोक बढ़ा देंगे। कलर चेंज करने के लिए कलर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब थंबनेल तैयार हो चुका है। इसे यूज़ करने के लिए शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से वेरी हाई सेलेक्ट कर लेंगे ताकि थंबनेल HD फॉर्म में सेव हो। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। अब थंबनेल तैयार होकर सेव हो चुका है। इसे YouTube वीडियो में यूज़ कर सकते हैं।